न्यू स्टैंडर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। बेसिकली टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको डील मल्टीपल स्टैंडर्ड्स करता है। लाइक एक इसको डील करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32, दूसरा इस पे अप्लाई होता है IFRS 9। IFRS 9 IAS 39 को खत्म करके बना है। सो अर्लियर दिस यूज टू बी IAS 39 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। IAS 39 को खत्म किया और उसकी जगह पे आ गया IFRS 9। और तीसरा स्टैंडर्ड इसको डील करता है दैट इज IFRS 7। पहले ये मसला सुलझा लेते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या। इंस्ट्रूमेंट का मकसद आप यूं समझने कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पीस ऑफ पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वुड इन्वॉल्व टू पार्टीज। जिस तरह कभी भी एग्रीमेंट होता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सेम एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी रेफर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर। सो बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्रीमेंट जो किसी एक एंटिटी के यहां फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करेगा और किसी दूसरी एंटिटी के पास फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करे। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैंने आपको एक वर्ड फाइल सेंड की है, उसके बिल्कुल लास्ट पेज पे आ जाइएगा, लास्ट या सेकंड लास्ट। IFRS 9 Q's के नाम से इट सेज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू बोथ अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। वर्ड फाइल है IFRS 9 Q's के नाम से, जो पास्ट पेपर्स भेजे हैं उसके ऊपर है। अच्छा, नाउ व्हाट कैन अ फाइनेंशियल एसेट बी, इसको समझना जरूरी है, आपसे MCQs में पूछ सकता है। अब फाइनेंशियल एसेट में दो पार्ट्स या तीन चीजें आ गई ऑल टुगेदर। एक एंटिटी के लिए वो फाइनेंशियल एसेट क्रिएट कर रहा है, लिहाजा फाइनेंशियल एसेट भी इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरी एंटिटी के पास वो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो जिसके लिए लायबिलिटी है उसके लिए भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। पहले हम फोकस कर रहे हैं एसेट पे। सो अ फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज, पहला इसने पार्ट कहा है कैश। कैश जो एक नोट इवन आपके पास होता है उसमें वाजे तौर पे एक एग्रीमेंट बना होता है, बिकॉज इट इज अ पीस ऑफ पेपर। और ऐसा पेपर तो नहीं मैं घर में छाप के आ जाऊं, ये ऑफिशियली सेंट्रल बैंक ने प्रिंट किया होता है, और हमारे पाकिस्तानी नोट के ऊपर जो लिखा होता है हामले हाजा दैट मींस बियरर, और आप देखेंगे उसमें वाजे तौर पे लिखा होता है को अदा करेगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हामले हाजा को अदा करेगा। दर हकीकत जब भी कोई बैंक नोट प्रिंट करता है तो उसके अगेंस्ट उसको कुछ कोलेटरल रखना होता है, कुछ गिरवी रखना होता है, क्योंकि आप लोगों को स्टेट बैंक ने ये नोट दिया। पहले रिक्वायरमेंट होती थी किसी दौर में गोल्ड रखने की, अभी भी पाकिस्तान
स्टेट बैंक के पास करीबन 3 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड मौजूद है। तो जितना गवर्नमेंट के पास, जितना बैंक के पास गोल्ड होगा, उतनी ही मालियत की करेंसी प्रिंट की जा सकती थी कि कल को अगर डिफॉल्ट होता है तो जिन जिन के पास मेरी करेंसी होगी उसको मैं उस मालियत के बराबर गोल्ड दूंगा। और अब रिजर्व्स हम फिर रखते हैं यूएस डॉलर्स में, तो यूएस डॉलर्स भी बेसिकली एक कोलेटरल है, एक गिरवी रखा हुआ, एक रिजर्व रखा हुआ, एक अमानत सी है। तो ये करेंसी जो आपके पास है, ये करेंसी आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है और सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है। सो दिस इज रिगार्डेड एज अ फाइनेंशियल एसेट। आगे देखिएगा, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी बी, दिस कैन बी एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी, कि किसी दूसरी कंपनी के जब हम शेयर्स खरीदते हैं वो हमारे लिए तो एसेट है ना। कंपनी जितना भी डिविडेंड देगी हमें मिलेगा, उसकी फेयर वैल्यू जितनी बढ़ेगी या गिरेगी उसका नफा नुकसान हमें होगा, उसके लिए ये इक्विटी है, उसके लिए ये लायबिलिटी नहीं है। लेकिन दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी कंपनी की तरफ फाइनेंशियल एसेट क्रिएट कर रहा है और उस कंपनी की जानिब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहा है। तीसरा, अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, ये बात समझिएगा, वर्ड क्या यूज किया है, अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। एक स्टेट्यूटरी राइट हो सकता है जो कि लीगल तो है, जिस तरह आपने टर्म पढ़ा है लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, लेकिन लीगल में एक होती है बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने और मैंने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है, और एक होती है स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मिसाल के तौर पे एसेट इनकम टैक्स लायबिलिटी, कि हमने जितना भी प्रॉफिट किया टैक्सेबल प्रॉफिट उसका 30% मैंने टैक्स देना है, क्या ये मेरे और एफबीआर के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है? लीगल तो है, लेकिन लीगल में एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल, एक होती है स्टेट्यूटरी। ये स्टेट्यूटरी है, वो ऑब्लिगेशन यहां पे फाइनेंशियल लायबिलिटी में नहीं शामिल होगी, क्योंकि यहां पे मैंने क्या वाजे किया, दिस शुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल। अगर मैं लॉस करता हूं और लॉस के केस में टैक्सेशन अथॉरिटी मुझे रिलीफ देती है, वो रिलीफ मेरे लिए डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। याद रखिएगा, जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी टैक्सेबल तो उस पर टैक्स अदा करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी ने लॉस किया तो लॉस का 30% या 25% जो भी है वो उसूलन तो एफबीआर ने आपको देना है, लेकिन वो कभी भी आपको पैसे नहीं देगा। यस, वो क्या करता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। मिसाल के तौर पे 2020 में मुझे लॉस हो गया 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का 30% मैं पे करता तो मैं 15 लाख रुपए देता, लेकिन अब के बाद मेरे पास तो कमाई ही नहीं है, उल्टा आप मुझे दो, तो ये 15 लाख रुपए टैक्स क्रेडिट बन जाता है, ये एफबीआर की तरफ आपकी अमानत रह जाती है। आइंदा आने वाले सालों में आपकी 15 लाख रुपए तक की लायबिलिटी को नेट कर दिया जाएगा, अगर उससे ज्यादा आपका टैक्स बना तो आप सिर्फ डिफरेंस पे करेंगे। फिर मुख्तलिफ टैक्स रूल्स में इसकी मुख्तलिफ कानून होते हैं। छोटी सी मिसाल कि हम इस लॉस को 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर 2022 में, सॉरी 20 में अगर लॉस हुआ था, अगर 2021 में, 22 में और 23 में 3 साल तक आपको टैक्सेबल प्रॉफिट हुआ तो उसमें से आप ये 50 लाख रुपए का लॉस माइनस करके जो बाकी ऊपर का प्रॉफिट बनेगा उस पर टैक्स देंगे। अगर 2020 में मुझे नहीं लगता कि मैं 50 लाख तक का प्रॉफिट 3 सालों में कर पाऊंगा, राइट,
और ना ही मेरे पास पिछले सालों को यूटिलाइज करने का है, तो क्या इसको मुझे एसेट मानना चाहिए? क्योंकि एसेट तो मैं उसको मानूंगा जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो। इस केस में मिसाल के तौर पे हमें लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 34 लाख रुपए कमा सकता हूं 21, 22 और 23 में मिला के, लिहाजा 34 लाख का जो 30% बनेगा करीबन 10 लाख 20 हजार, वो तो मैं इसमें से रिलीफ क्लेम कर लूंगा, वो तो मैं ऑफसेट करवा दूंगा, लेकिन जो बाकी पैसे हैं 16 लाख का 30%, 4 लाख 80 हजार, वो मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही कि मैं क्लेम कर पाऊंगा। तो आज मैं डेफर टैक्स एसेट कितना रिकॉर्ड करूंगा? 10 लाख 20 हजार तक का, जितना आपको लगता है कि आप क्लेम कर सकते हैं। अब आप उसको एसेट रिकॉर्ड तो करके बैठे हैं, लेकिन क्या टैक्सेशन अथॉरिटी इसको लायबिलिटी मान के बैठा होगा? और ये एक स्टेट्यूटरी एसेट है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है। पहली बात ये क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट के भी हम जब बात कर रहे हैं बनने के लिए, दैट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, नॉट एन स्टेट्यूटरी राइट। सेम। ओके, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू, तो ऊपर वाला टैक्स आप दोगे ऑफ कोर्स। मिसाल के तौर पे आपको लॉस हुआ 50 लाख का और इन 3 सालों में आप प्रॉफिट कर जाते हो 90 लाख का, राइट। वो शॉर्ट ऑफ एन इंपेयरमेंट थी, क्योंकि देखो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ना, तो आप एसेट को ओवर स्टेट नहीं कर सकते। आपने अंडरस्टेट कर दिया, बाद में आपको रिलीफ मिल तो जाएगा, बाद में आपको रिलीफ मिलेगा तो सही, टैक्स वाले नहीं बोलेंगे क्या तुमने तो बोला था नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आपको रिलीफ पूरा मिलेगा। मिसाल के तौर पे इसका सवाल यह है कि अगर मैंने 34 लाख का एक्सपेक्ट किया कि मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअली 40 लाख कमा जाता हूं, टैक्स वाले देंगे? उनसे थोड़ी मैंने लिखवा के ले लिया कि मैं इतना ही लूंगा। हम उस टाइम पे इनकम रिकॉर्ड करेंगे। सवाल यह है कि इनकम आज रिकॉर्ड करूं या नहीं रिकॉर्ड करूं। तो आज मैं पूरे 50 लाख का 30%, 15 लाख का टैक्स क्रेडिट इनकम दिखा नहीं सकता, बिकॉज मैं क्लेम ही नहीं करने के काबिल। अगर एक्चुअली हो जाती है तो तब आप इनकम दिखा देना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हम एसेट को ओवरस्टेट नहीं कर सकते। अच्छा, सो अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, आगे क्या लिखता है, और एन अदर फाइनेंशियल एसेट। यहां तक समझिएगा बात। फाइनेंशियल एसेट इज एसेट फॉर अस, एन इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर। मुनासिब? तो अगर मेरा रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, इज दैट अ फाइनेंशियल एसेट? यस, बिकॉज इट इज ट्रेड पेएबल फॉर समवन एल्स। बैंक बैलेंस is my asset, is it a financial asset? Yes, because this is liability for the bank. Cash, agar main kisi dusri company ke bonds khareedun to mere liye asset hai aur issuer ke liye liability hai. Agar main kisi dusri company ke shares khareedun to wo mere liye asset hai aur kisi aur ke liye equity hai. What about prepayments? Agar maine advance mein paise de diye hain kisi ko जिसकी गुड्स या सर्विसेज वो मुझे बाद में देगा, तो आज तो मैंने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज मुझे गुड्स एंड सर्विसेज मिले ही नहीं है, मेरे लिए एसेट है और उनके लिए अनअर्न्ड इनकम, डेफर्ड इनकम, लायबिलिटी। बट इज दिस अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश? क्या वो मुझे वो वापसी में पैसे देगा या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट देगा, शेयर्स देगा, बॉन्ड्स देगा, लोन नोट्स देगा, क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। सो प्रीपेड एसेट्स इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। राइट टू रिसीव व्हाट? कैश और राइट।
बात क्लियर हुई? तो दो चीजें फाइनेंशियल एसेट नहीं बन सकती, एक अगर स्टेट्यूटरी राइट है टू रिसीव कैश वो उसमें शामिल नहीं होगा, होगा कौन सा? कॉन्ट्रेक्चुअल। एंड राइट शुड बी टू रिसीव कैश, कि मुझे इसकी वजह से फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, कैश मिलेगा, या कोई और फाइनेंशियल एसेट। अनअर्न इनकम लाइबिलिटी नहीं होगी हमारे लिए, फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होगी, राइट? अच्छा, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, शेयर ऑप्शंस। जब हम शेयर ऑप्शंस देते हैं तो होल्डर जिसके पास मेरे ऑप्शंस हैं वो चाहे तो फ्यूचर में एक फिक्स्ड वैल्यू पे मेरे शेयर्स खरीद सकता है, राइट? मिसाल मेरे पास अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर ऑप्शंस हैं तो अगर मैं चाहूं तो एक गिवन वैल्यू पे, मिसाल उसने मुझे वैल्यू फिक्स कर दी $3 की और नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स कर दिए 25,000, मैं अगर चाहूं तो आइंदा आने वाले 6 महीने में मिसाल 25,000 शेयर्स ₹3 पर शेयर के हिसाब से बाय कर सकता हूं। डू आई हैव अ राइट टू रिसीव व्हाट? शेयर्स। सो दिस इज अ राइट, अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव एन अदर फाइनेंशियल एसेट, ठीक है? है ना। अभी भी मैंने बात की, आपने कहा कि अगर हमारे पास जस्ट कैश पड़ा हुआ है जो हमारा एसेट है, किसी और की लायबिलिटी नहीं है, ना स्टेट बैंक की। वी जस्ट डिस्कस्ड कि स्टेट बैंक का अगर आप नोट पढ़े तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द बियरर एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो दैट इज अ लायबिलिटी फॉर द स्टेट बैंक। हाँ, एट द सेम टाइम अगर बिटकॉइन हो, अगर क्रिप्टो है, तो उसका कोई सामने इश्यूअर नहीं है, कोई कोलेटरल नहीं है। तो बिटकॉइन इज अ करेंसी ऑफ कोर्स, अ वर्चुअल करेंसी, अ क्रिप्टो करेंसी, लेकिन सामने कौन है? हु इज द काउंटर पार्टी? नोबडी। क्योंकि हम कहते हैं ये डिफाई है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, इसमें बीच में जो बैंक आ रहा ना, बैंक को भी उखाड़ के फेंक दिया, तुम भी निकलो, हम खुद ही बात करेंगे। तो दैट इज डिफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। लेकिन क्योंकि सामने कोई कोलेटरल नहीं है, सामने कोई पार्टी नहीं है, कोई काउंटर पार्टी नहीं है, तो उसको हम फाइनेंशियल एसेट नहीं कह सकते। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कैश, करेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज फाइनेंशियल एसेट। इजी करके लिख रहा हूं उसको। इफ वी हैव मेड एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स, ये थोड़ा मिसाल से समझाता हूं। और क्योंकि आप लोगों ने FM F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हुआ, तो एग्जामिनर इज काइंड इनफ कि वो उसकी चीजें यहां नहीं पूछेगा। लेकिन क्योंकि अब डेफिनेशन में है तो मैं आपको समझा देता हूं। मिसाल के तौर पे मुझे ACCA को फीस पे करनी है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं पाउंड रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना कर जाए, राइट? ऑप्शन नंबर 1, स्टे ओपन स्टे एक्सपोज्ड। मिसाल पाउंड का रेट अभी कल ही के दिन में ₹300 पे पहुंच गया, यू आर एक्सपोज्ड। हो ये सकता था कि हम एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लेते हैं। नाम क्या है उसका? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। हम फॉरवर्ड फ्यूचर के लिए रेट को पहले से ही बुक करवा लेते हैं। इसका क्या तरीका होता है? मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि मुझे सितंबर की या दिसंबर की या मार्च की एग्जाम एंट्री करनी है, जिसके लिए मुझे सर्टेन पाउंड्स ACCA को पे करने हैं इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आप एक तो स्पॉट रेट, जो उस वक्त पे रेट होगा, उस पे पेमेंट करना। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं आज
किसी बैंक से वो रेट फिक्स करवा लो। मिसाल के तौर पे उसने आज का रेट 300 रुपए मुझे कह दिया कि डन है, या 305 रुपए डन है, मैं आपके लिए फिक्स कर सकता हूं। तो मैं कहा चलो फिर ऐसा करो कि मेरे 1000 pounds फिक्स कर दो और ये हम डील करेंगे मार्च में। मिसाल, उसने कहा ठीक है। आज मैंने उसको कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन हम दोनों ने एक मुआहदा कर लिया, हम फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज करेंगे, आप मुझे पाउंड देंगे, मैं आपको रुपए दूंगा। 1000 pounds मल्टीप्लाई बाय 305 रुपए के हिसाब से सही है, 305,000 रुपए मैं आपको दूंगा और 1000 pounds आप मुझे देना। ये एक कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है कि हम फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज करेंगे। मीनवाइल, मिसाल सितंबर में मेरा ईयर एंड आ जाता है, मेरा ईयर एंड आ जाता है, ईयर एंड बैलेंस शीट कहती है कि भाई एक तरफ करो, तो मैंने क्या देखा कि पाउंड 320 पे जा चुका है और मैं कहूंगा याला तेरा शुगर, मैंने 305 में फिक्स करवा लिया। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पे फायदा हुआ या नुकसान? फायदा, क्योंकि वो चीज जो 320 की हो चुकी है अभी ही, मार्च में तो पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी ही जो चीज 320 की हो चुकी है वो तो मैं 305 में डन कर चुका हूं, मुझे 15 रुपए पर पाउंड फायदा हुआ। और कितने पाउंड हैं? 1000। 1000 pounds मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए, 15,000 रुपए ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि इसमें मुझे फायदा है नुकसान है? राइट राइट। पूरे 320 आप अभी नहीं रिकॉर्ड कर सकते बिकॉज आपने क्रेडिट ही कुछ नहीं किया, तो हम सिर्फ वो गेन डेबिट करेंगे एज अ फाइनेंशियल एसेट और क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट लॉस में एज एन इनकम। राइट, आगे जाके लॉस होगा तो हम इसको रीमेजर करते रहेंगे। मिसाल के तौर पे अभी पहली झटके में ही नुकसान है, पाकिस्तान सुधर गया, करेंसी बेहतर हो गई और ऐसा हो जाता है कि वापस 280 पे आ गया, मैं कहूंगा अरे मर गए, मैं तो 305 में फिक्स कर दिया, अब 25 रुपए मैंने उसको निकाल के देने हैं पर पाउंड, 1000 pounds के 25,000 रुपए, तो मैं, ये अनफेवरेबल टर्म है, ये फेवरेबल टर्म नहीं है मेरे लिए, ये अनफेवरेबल टर्म है। राइट, इस केस में मैं क्रेडिट करूंगा फाइनेंशियल लायबिलिटी और डेबिट कर दूंगा प्रॉफिट लॉस, क्योंकि मेरा नुकसान है। तो जब भी आपको एक्सचेंज टर्म्स हैं अगर फेवरेबल हैं तो फाइनेंशियल एसेट बनेंगे, और अगर अनफेवरेबल है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। राइट राइट, हाँ, शेयर ऑप्शंस में जो एक्सरसाइजेबल वैल्यू होती है, जिसको हम स्ट्राइक रेट कहते हैं, जिस कीमत पे आप खरीद सकते हैं वो फिक्स होता है। कल को अगर वो शेयर महंगा भी हो गया तो आपको फायदा हो जाएगा। समझ में आ गया बात? अच्छा, दूसरा फाइनेंशियल लायबिलिटी किसको कहते हैं? This is a contractual obligation. वापस बात आ गई, स्टेट्यूटरी नहीं, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं, बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। सो वी हैव एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन टू deliver cash or an other financial asset। अच्छा, अगेन अगर कोई कस्टमर मुझे एडवांस में पैसे दे देता है, सो वी ट्रीट दैट एज अ लायबिलिटी, एज अनअर्न इनकम, बट वॉट वी आर लायबल टू, we are liable to pay the cash back? No, to render the services, to deliver the goods। to unearned income financial liability ki definition mein nahi aa rahi, financial liability mein contractual obligation to deliver। misal maine bonds issue kiye hue hain to investors ko maine kaha hai ki bhai markup dunga aur 4 saal ke baad jab redeem ho jayenge to aapko aapke paise wapas kar dunga।
that is a contractual obligation to deliver cash, right? Or another financial asset, या उसकी अगेंस्ट मैं कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट दूंगा, और एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट्स अंडर unfavorable terms. Clear with this? ये बात अब आपको समझ में आ गई कि वहां जब मुझे फायदा हो रहा था, पाउंड बढ़ गया था, तो मैं डेबिट फाइनेंशियल एसेट कर रहा था. अब अगर अनफेवरेबल है, अब कहानी मजे में नहीं बैठ रही, अब पैसे लेने के देने पड़ रहे हैं, तो उसको आप ट्रीट करेंगे एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी. डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी. क्लियर विद दिस डेफिनेशंस? ओके. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किसको कहा जाता है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का कहता है एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंसेस अ रेजिडुअल इंटरेस्ट. In assets after liabilities, मैंने short लिखा है. ये थोड़ा मजाक कर रहा है ये definition में. मैंने पूछा सर equity क्या है, तो बोला asset में से liability minus कर दो equity. ये क्या? तो बचपन में जो accounting equation पढ़ाई थी, assets are equal to liability plus capital, उसको प्लस माइनस करके बता रहा है कि बाकी जो बच गया कैपिटल. दर हकीकत इसकी एक प्रैक्टिकल मीनिंग है. दिस सेज दिस एविडेंस इज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट. रेजिडुअल का मकसद क्या होता है? जो बच जाए. किसके बाद बच जाए? इन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज. कि कल को बिजनेस अगर वाइंड अप होता है, डिफॉल्ट कर जाता है, तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? उसके तमाम एसेट्स बेच दिए जाएंगे कंपनी के, और उसको नीलाम करके जो भी पैसे निकलेंगे उससे फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्लियर की जाएंगी. अगर फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बावजूद भी कुछ बच जाता है तो आपका, लेकिन पहले दावा आप नहीं बोल सकते, पहला क्लेम आप नहीं कर सकते, राइट? सबसे पहला तो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन नोट्स, बैंक लोन डेट होल्डर्स को मिलेगा. दूसरा दावत आएगी प्रेफरेंस होल्डर्स को, भाई हम तो घर के हैं, हम तो यहां तो शेरमाल खा के उसके ऊपर पानी पी लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे लिए, या तो अगले हफ्ते तक हम भी और पड़ोसी भी खाते रहेंगे. लेकिन रेजिडुअल, आपका हक किस पे होगा? रेजिडुअल, जो बच जाएगा, उसको हम कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. मिसाल आप यूं शो करते हैं ना कि कंपनी के पास जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, एक फड्डा है ना कि हम जब भी कोई प्रोसीड्स लेते हैं, जब भी कोई पैसे लेते हैं इन्वेस्टर्स से, तो हम उसको अपनी लायबिलिटी में दिखाएं या इक्विटी में दिखाएं? है तो दोनों क्रेडिट साइड पे. अगर लायबिलिटी में दिखाऊंगा तो गियरिंग बिगड़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी. अब ये फैसला मैं आपके हाथ में तो नहीं छोड़ सकता कि तुम्हें जो समझ में आए, क्योंकि अगर मुझे तो समझ में आएगा तो इक्विटी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कर्जे तो दिखाऊंगा ही नहीं. हर हुकूमत ये चाहेगी कि मैं कर्जे ना दिखाऊं, क्योंकि मेरे खाते में आ जाएगा कि तुमने इतने कर्जे ले लिए. तो हमने देखना है कि लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है. हुआ ये कि अगर हम बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, तो उसमें हम बाकायदा लिखते हैं कि मैच्योरिटी पीरियड है,
और 3 साल बाद, 7 साल बाद, 15 साल बाद हम आपको आपके पैसे वापस करेंगे, तो क्योंकि यू आर इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो ये क्या बना आपका लायबिलिटी। और अगर रेजिडुअल है, मैं कहता हूं भाई आपको मैं रिडीम तो कभी भी नहीं करूंगा, ऑर्डर शेयर कभी रिडीम होते हैं क्या? रिडीम तो कभी नहीं करूंगा, तो कल को आपको मैं वापस देने का मजाज कुछ भी नहीं हूं, लायबल कुछ भी नहीं हूं। इनकेस अगर डिफॉल्ट कर गया तो अभी एसेट बिकवा के पहले लायबिलिटीज दी जाएंगी, अगर कुछ बच गया तो आपको मिलेगा, अदरवाइज खाली हाथ जाओगे। और शुक्र मनाना कि आपके जाती एसेट्स नहीं बिकवाए, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट है कि अगर कल को कंपनी डिफॉल्ट की तो आपके पर्सनल पॉकेट में से पैसे देके इनको नहीं दूंगा मैं, तो आप डूबे हुए पैसों को नहीं रोएंगे, बचे हुए एसेट्स को हंसेंगे शायद कि अच्छा अल्लाह ने करम किया ये तो बच गए, लेकिन वो जो दिए थे वो तो गए। रेजिडुअल फड्डा आया प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, फड्डा आया प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर्स का नाम तो शेयर्स है, दिखाऊं क्या इक्विटी में कि लायबिलिटी में? डिपेंड करता है कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अगर रिडीमेबल है तो मैं वादा कर चुका हूं, जुबान दे चुका हूं कि 7 साल बाद, 5 साल बाद जो भी मैच्योरिटी पीरियड है मैं आपको आपके पैसे वापस करूंगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या बनेंगे और इरिडीमेबल में आप सेकेंडरी मार्केट यानी दूसरे इन्वेस्टर को तो चिपका सकते हो, मुझे वापस नहीं दे सकते। मैं आपसे ये शेयर सरेंडर करवा के कभी आपको पैसे दूं ऐसी कोई कहानी नहीं कर रहे हम। हाँ, इसमें एक गेम आता है, कंपनी के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा आ जाए और वो खुद से बाय बैक करना चाहे और आप भी देना चाहे तो आपका टर्म ठीक हो सकता है, लेकिन ना आप जबरदस्ती कंपनी को पैसे वापस ले सकते हो, ना मैं जबरदस्ती आपसे शेयर वापस ले सकता हूं, म्यूचुअल कंसेंट होगा। नहीं, मैंने आपको ये थोड़ी कहा कि जब भी वापस मांगो, जिस तरह हाँ वो तो रिडीमेबल हो गया ना, फंस गई कंपनी। हमारी हालत क्या है अभी, फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि हम OGDCL, स्टील मिल, PIA इनके 100% शेयर्स स्टेक सेल कर देंगे। तो किसी ने कहा कि भाई तो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, तो आप उनसे इतने पैसे लेंगे, अभी तो आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे, लेकिन वापसी डिविडेंड्स भी तो उनको देने हैं, तो डिविडेंड की पेमेंट में आप सारे पैसे तो वापस ले जा सकते हैं। तो कहने लगे कि अगर मैं बायबैक एग्रीमेंट करूं तो क्या मसला है? तो उसने कहा बायबैक एग्रीमेंट मतलब 2 साल के बाद मैं आपसे ये वापस खरीद लूंगा। तो सामने ने पूछा, वो सामने वाला पागल है, सामने वाला बेवकूफ बैठा है कि आपसे अभी खरीद लेगा? बोलेगा 2 साल बाद तुम वापस ले लेना। बोला अगर 2 साल बाद आप वापस खरीदोगे तो फेयर मार्केट पे ना, वो ये कहेगा चलो ठीक है 2 साल के बाद में तुम्हें भेज दूंगा लेकिन फेयर वैल्यू पे। अब फेयर वैल्यू महंगी होगी, तो आपने पैसे लिए कम है, देने तो आपको बहुत ज्यादा पड़ेंगे। फिर कहने लगे एक मार्कअप एग्री कर लेंगे कि हम आपको इतने देंगे, लेकिन ऑफ कोर्स दिस ये डील समझ में तो नहीं आ रही। हाँ, जब तक आप किसी अपने से कोई डील ना कर लें कि वो मान जाए कि चलो ठीक है, डील तो समझ में नहीं आ रही ना। हाँ, पेमेंट नहीं कर पा रहा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स में है। तो अगर हम प्राइवेटाइज तो नहीं कर रहे लेकिन स्टेक्स बेच रहे, चलाएंगे हम ही, लेकिन स्टेक अगर बेचते हैं तो हमें देखना है कि क्या सामने वाला इस बात पे एग्री करेगा। अगर मैं कहूं कि यार मैं अगर मुझे समझ में आया तो वापस खरीद लूंगा, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया तो क्या आप कोर्ट में जाओगे कि भाई इसको 10 साल के बाद पैसे वापस कर रहे थे, 10 साल हो गए ये पैसे नहीं वापस कर रहे, कोर्ट वाइंड अप करवा देगी मेरी कंपनी। लेकिन अगर इरिडीमेबल है तो आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कब वादा किया था कि मैं तुम्हें पैसे वापस करूंगा। ये बात समझ में आ गई? जो डिविडेंड होगा ना, जब अक्रू हो जाएगा, जब ड्यू हो जाएगा, वो तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा अगर आपने नहीं दिया तो। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपकी लायबिलिटी नहीं है ना। डिविडेंड तो ऑर्डरी शेयर्स का भी लायबिलिटी है,
भाई अगर मैं ऑर्डिनरी शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर कर दूं, अनाउंस कर दूं कि हर शेयर पे हम मिसाल 40-40 पैसा डिविडेंड दे रहे हैं, और आपके अगर 10 करोड़ शेयर्स हैं तो 40 पैसे के हिसाब से आपने तो डिविडेंड देना है। अगर आप अनाउंस कर चुके हैं तो आपकी लायबिलिटी है, राइट? जो डिक्लेयर हो गया, जो अनाउंस हो गया, वो तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, राइट? अच्छा, अब यहां से हम पार्ट शुरू करते हैं आईएएस 32 का। पहला, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया। सो दैट कुड बी अ रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन नोट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डरी शेयर्स, दीज ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? अच्छा, आईएएस 32 एक मसला सुलझाने के लिए जिम्मेदार रखा गया, इज द क्लासिफिकेशन एज इक्विटी और लायबिलिटी। ये आईएएस 32 ने बताना है कि किसी सोर्स को जो हमने रेज किया है, जहां से हमने पैसे रेज किए हैं, फंड्स रेज किए हैं, उसको हमने इक्विटी सोर्स दिखाना है या लायबिलिटी सोर्स दिखाना है। इसमें बाकी सारे मसले तो हम बातों बातों में खुद ही हल कर चुके, क्योंकि डेफिनेशन बताई गई आईएएस 32 की तरफ से, तो उसकी डेफिनेशन ने ही मसला हल कर दिया। बाकी उसके अलावा एक मसला आता है जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। आज हमने डेबिट कर दिया क्या, कैश और बैंक, कितना मिला? 3 मिलियन। क्रेडिट किया, 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी लायबिलिटी, कितने से? 36,000। और क्रेडिट कर दिया, इक्विटी में ना तो ये शेयर कैपिटल में जाएगा, ना तो ये शेयर प्रीमियम में जाएगा, ना ये रिटर्न अर्निंग्स में जाएगा, ना ये रिवोल्यूशन सरप्लस में जाएगा, इसका एक स्पेशल रिजर्व बनेगा, कन्वर्टेबल का एक स्पेशल रिजर्व बनेगा और इक्विटी में क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? अब जो डेट वाला पार्ट होगा ना, अलग से रिजर्व बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो डेट वाला पार्ट है उसको हम करेंगे एमोर्टाइज, जो डेट वाला पार्ट है उसको हम करेंगे एमोर्टाइज, और इक्विटी वाले पार्ट को भूल जाओ, फ्रीज कर दो, ऐसे ही पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, 5 साल तक 4 साल तक हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। डेट वाले पार्ट को क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन बैलेंस, इफेक्टिव इंटरेस्ट, कूपन एंड कैरी डाउन। पहला साल से हमारा ईयर एंड है 30th June 2020। पहला साल लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है, रिकॉर्ड कितने पे की थी? 27,01,560। और इफेक्टिव इंटरेस्ट, मार्केट में इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 10%। हम इस पे लगाएंगे 10%, जो कि बनेगा 2,70,156, राइट? लेकिन मैं दूंगा कितने पैसे अभी? कूपन 1,00,000, ध्यान दीजिएगा, ये 10% है, और कूपन कितना है? तो क्या मैं सीडी बैलेंस में बाकी 4% का इजाफा कर दूं? नो, 10% किस पे लग रहा है? बीडी बैलेंस पे, और 6% किस पे लग रहा है? पार वैल्यू पे। सो दोनों का बेस सेम नहीं है, जिस तरह मार्कअप का बेस अलग होता है, मार्जिन का बेस अलग होता है, उस तरीके से इफेक्टिव का बेस अलग होता है और कूपन का बेस अलग होता है। तो 4% की बात नहीं कर सकते हम,
व्हाट वुड हैपन नाउ? पहले साल हम डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, कितने से? 270,156 से। ये जाएगा प्रॉफिट लॉस में। हाँ, अगर ये लोन आपने किसी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है एज पर IAS 23, तो वो उसकी कॉस्ट में डेबिट हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉफिट लॉस में जाएगा। क्रेडिट, अभी कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 180,000। ये तो गया कैश में, बाकी इंटरेस्ट हम अभी दे रहे नहीं है। कितना डिफरेंस है? 90,156 का। ये मैं अभी दे रहा नहीं हूं, ये मैं कंपाउंड कर रहा हूं, और इसको हम क्रेडिट कर देंगे 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में, डेट में। अब देखिएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस लाइब्रेरी का कितना है, 27,01,560, उसमें प्लस कर दें 90,156, इसमें 90,156 प्लस कर दें। सॉरी, ये पार वैल्यू नहीं है, ये तो ये है ना पार। तो पहला साल हम लायबिलिटी को अमोर्टाइज करके आए, हमने उसको 27,01,560 से 27,91,000 पे पहुंचा दिया। दूसरा साल इट्स 2021, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2,791,716। अब इस पे 10% लगेगा, राउंड अप कर लेते हैं, right? और पे कितना करेंगे? 180,000। इसको कहां भेजेंगे? डेबिट प्रॉफिट और लॉस में एज अ फाइनेंस कॉस्ट। इसको हम क्रेडिट करेंगे अगेंस्ट कैश, बिकॉज हम इन्वेस्टर्स को दे देंगे, और दोनों का जो डिफरेंस है वो फिर लायबिलिटी को और बढ़ा देगा, और लायबिलिटी कितने पे आ जाएगी? 98,19,090, ठीक है, 90,000, राइट। तीसरा साल 2022, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है 2,890,888, इस पे लगेगा 10%, पे करेंगे 180,000, डेबिट होगा ये फाइनेंस कॉस्ट में प्रॉफिट लॉस, ये क्रेडिट होगा अगेंस्ट कैश, दोनों का जो डिफरेंस होगा बाकी 29,00,000। ये तीसरे साल में क्यों पहुंच गया, कुछ गड़बड़ की है? तीसरे साल में क्यों पहुंच गया 30,00,000 पे? अच्छा हाँ, प्रीमियम में, सॉरी, ये 30,00,000 है ना, सॉरी वो अभी उसमें प्रीमियम है, हाँ माय मिस्टेक, 2023, हाँ आपने बोला था 2,999, 2 रुपये का फर्क बता दिया, 12 रुपये कर लो, ₹3 का फर्क था ना, चलेगा। सो नाउ इट्स 3,000,000 बीडी बैलेंस, उसका 10% 3,00,000 डेबिट होगा फाइनेंस कॉस्ट में, 1,80,000 क्रेडिट होगा कैश में, और 1,20,000 उसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 31,00,000। यू कैन सी के ये उस ही अमाउंट पे आ गया, फेयर इनफ, मैंने उड़ा दिया क्योंकि हमने यहां पे भी राउंड अप किया हुआ था, तो हमारी एग्जैक्ट बैलेंस बैठ गया, ठीक है। अगर आप राउंड अप ना नहीं करते कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग, इन 4 सालों में ये अमाउंट रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में गए, ये रिस्पेक्टिव कैशेस में पे हुए, और अब मेरी लाइबिलिटी 31,32,000 है, और ये वही लाइबिलिटी है जो मैंने वादा किया हुआ है पैसे देने का। वक्त आ चुका है कि इन्वेस्टर फैसला करें, मुमकिन क्या हो सकता है।
लेट्स से मैं रिक्वायरमेंट ए रख रहा हूं, कि शेयर्स की वैल्यू में खातिर खा इजाफा नहीं होता, लिहाजा इन्वेस्टर्स इस बात को बेहतर समझते हैं कि पैसे निकालो जान बचाओ, वो आगे के भाई हमें हमारे पैसे वापस करो। भाई जो आपकी मर्जी, हम तो बंधे हुए हैं, पैसे मांगोगे पैसे देंगे, शेयर्स मांगोगे शेयर्स देंगे। तो ये क्या मांगने आ गए? पैसे मांगने आ गए। और मेरे वादे के मुताबिक मैंने पैसे देने कितने हैं? प्रीमियम देना है 4% का, 31-20, ये मेरा वादा है ना। मैं कहूंगा कि भाई डेबिट 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, क्योंकि लायबिलिटी मेरी खत्म हो गई। अभी कितने पे पहुंची हुई है लायबिलिटी? चौथे साल के आखिर में 31-20 पे 3,120,000 से लायबिलिटी को मैंने डेबिट कर दिया एंड 3,120,000 से कैश को क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी खत्म। लेकिन इक्विटी में रिजर्व पड़ा हुआ है, उसका क्या करेंगे? रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। ये मुबारक को आपको प्रॉफिट हो गया, फंस गया ना जाल में। उसको मैंने लालच दी कि भाई देखो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और हमारे शेयर्स तो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो वो बेचारा फंस गया। उसने कहा सही है कन्वर्टेबल दे दो। जहां मार्केट में उसको 10% मिल रहा था, मैंने 6% पे बिठा दिया उसको। करीबन 3 लाख रुपए नेगेटिव एनपीवी पे हां बोल के बैठा। लेकिन शेयर्स में अगर इजाफा नहीं हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इन्वेस्टर्स एक ही बात कहें। हमने अज्यूम कर लिया कि सारे के सारे इन्वेस्टर्स आगे पैसे लेने के लिए, तो मैंने पैसे दे दिए, लायबिलिटी खत्म कर दी। और इक्विटी में जो पड़ा था वो इक्विटी में रह सकता है या ट्रांसफर हो सकता है, जिस तरह हम रिवेल्यूशन सरप्लस के साथ करते हैं, प्रॉफिट लॉस में नहीं आ सकता। दूसरी बात यह आ सकती है कि सारे के सारे इन्वेस्टर्स आ गए शेयर्स में कन्वर्ट करवाने के लिए, से व्हेन शेयर प्राइस वॉज 4 डॉलर्स, उनको हर 100 डॉलर्स बॉन्ड पे कितने शेयर्स मिलने? 30। और अगर हर एक शेयर 4 डॉलर्स का हो जाता है तो शेयर्स की मालियत होगी 120। अब उनके पास जब ऑप्शन है कि या तो आप 120 के शेयर्स ले लें या फिर 100 रुपीज के बॉन्ड्स के कैश ले लें, तो दे प्रेफर्ड व्हाट? शेयर्स। ने कहा भाई जैसा आपकी मर्जी, लेकिन जब मैं शेयर्स दे दूंगा तो उसके बाद पैसे देने का रिस्पॉन्सिबल रहूंगा? नहीं ना। तो मैंने डेबिट कर दिया 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कितनी लायबिलिटी थी मेरे ऊपर? 31,20,000। मैंने लायबिलिटी को लकीर दे दी। और जो इक्विटी में रिजर्व रखा हुआ था, अब तो वो जीता। मैं डेबिट कर दूंगा 30. उस इक्विटी रिजर्व को कितने का बना था? 440। अब क्या हुआ कि मेरे शेयर्स इश्यू हो गए। अब वो जो मेरे लोन डेट होल्डर्स थे वो मेरे शेयर होल्डर्स बन गए, तो मैं क्रेडिट मार दूंगा शेयर कैपिटल को। मेरे एक शेयर की पार वैल्यू कितनी थी? 1 डॉलर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने थे? 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय हर बॉन्ड पे कितने शेयर्स थे? 30। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 9 लाख। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डॉलर, ये 9 लाख चले जाएंगे हमारे शेयर कैपिटल के अंदर। अब एक बात याद रखना,
इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि $3 का प्रीमियम होगा. ये जो फायदा होगा वो शेयर होल्डर्स का होगा, आपका नहीं होगा. क्या आपने उसको $4 में दिया है? नहीं, मैंने तो ₹100 में 30 शेयर यानी 33.33 में शेयर दे दिया. सही कह रहा हूं, मैंने ₹100 में 30 शेयर्स दे दिए, वादा कर लिया कि भाई ₹100 जो आपके मेरे पास अमानत है अगर वो नहीं चाहिए तो 30 शेयर्स ले लेना. उसने कहा दे दो. तो एक शेयर उसको करीबन 3.33 का पड़ गया. अब वो शेयर भले ₹50 का हो जाए, फायदा मेरा तो नहीं होगा ना. तो अगर आपको सवाल में ये बताया भी जाता है कि उस दिन जिस दिन उन्होंने एक्सरसाइज किया उस दिन मार्केट वैल्यू ये थी, हमें उस मार्केट वैल्यू की तरफ देख के अपना खून जलाना नहीं है, क्योंकि वो तो गए, अब हमें वो थोड़ी देंगे. तो हम क्या कर देंगे, बाकी जो डिफरेंस है उसे क्रेडिट कर देंगे शेयर प्रीमियम. डेबिट का टोटल करो कितना है, ₹25,18,440. मुनासिब. उल्दो सवाल में ये बात हो सकती है कि इतने फीसद, लेट्स से 30% लोग आ गए पैसे लेने के लिए मिसाल के तौर पे, तो हम इसका 30% डेबिट कर देंगे लायबिलिटी से, क्रेडिट कर देंगे कैश. और कुछ अरसे के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं कि तलवार लटक रही आज बताओ क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसको बोलेगा भाई अब तो टाइम हो गया, अब मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, पैसे चाहिए तो पैसे ले लो, शेयर चाहिए तो शेयर. कुछ लोगों ने वेट कर लिया, वो 45 दिन 60 दिन बाद आए जब शेयर की वैल्यू बढ़ गई थी. अब वो 70% लोग कहते हैं कि भाई हमें हमारे शेयर्स दे दो. तो लायबिलिटी का 30% तो मैं वैसे ही खत्म कर चुका हूं पैसे देके, बाकी 70% मेरी लायबिलिटी में जो मैं यहां से खत्म करूंगा. इक्विटी का 70%, शेयर कैपिटल भी 70% दूंगा आप, और बाकी जो डिफरेंस बचेगा वो प्रीमियम में चला जाएगा. FR में देगा नहीं ऐसा, वो अक्सर रिडेम्पशन तक तो आता ही नहीं है कि आखिर में लोगों ने क्या किया. लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्ट करवाएंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, और अगर रिडीम करवाएंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे. IAS 32 ने डिस्कस करना है इज द क्लासिफिकेशन एज डेट और इक्विटी. दूसरा IAS 32 उसके अलावा जिन चीज़ों पे बात करता है वो हमारे लिए सिलेबस में रेलिवेंट नहीं है, जिसमें ट्रेजरी शेयर्स की बात आती है कि जब कंपनी अपने शेयर्स खुद बाय बैक करे. वैसे कंपनी इज नॉट ओब्लाइज्ड टू रिडीम द शेयर्स, लेकिन इन केस कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक करती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स तो उसको हम कहते हैं ट्रेजरी शेयर्स. ऐसा ही एक बात करती है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, कि अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट आप जब चाहो उसको कैश करवा सकते हो, जिस तरह हमारे पास प्राइस बॉन्ड्स होते हैं ना स्टेट बैंक के, उसको अगर हमने कैश करवाना तो कब करवा सकते हैं, जब भी जी चाहे आप चले जाओ स्टेट बैंक में, बोलो यार बॉन्ड्स में मुझे पैसे दे दो, तो उसको हम क्या कहते हैं पुटेबल. वो IAS 32 देखता है, हमारे काम का नहीं है. IFRS 7 सिर्फ डिस्क्लोजर्स की बात करता है कि नोट्स टू द अकाउंट्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से आपने क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. हमारे लिए जो ज्यादा रेलेवेंट है वो है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें वैसे तीन चीजें आती हैं. पहला आता है क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दूसरा आता है इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, तीसरा आता है हेज अकाउंटिंग. ये तीन चैप्टर्स हैं इसके. इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हेज अकाउंटिंग हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बाकी क्या रहेगा सिर्फ क्लासिफिकेशन. ये मैं समझा देता हूं आपको, चार्ट बना दूंगा मैं, डायग्राम बनाऊंगा, आप इसके साथ लिखेंगे नहीं, सिर्फ मेरी बात आप समझते जाएंगे, जहन में बैठ जाएगी. जिस तरह IAS 16 में हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस किस मॉडल पे रख सकते हैं पता है, कॉस्ट मॉडल एंड रिवेल्यूशन मॉडल. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे रख सकते हैं, कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल.
यू हर किसी के मॉडल्स बने हैं। IFRS 9 में फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटीज को तीन बेसिस पर रखा जा सकता है। पहला, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, जो हमने थोड़ी देर पहले किया। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मकसद आप उसको कॉस्ट पे ही रखेंगे, जो भी उसकी ब्रॉड डाउन वैल्यू होगी प्लस उसमें ऐड करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट और माइनस करेंगे कूपन इंटरेस्ट। उस फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू क्या है वो हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं दिखाएंगे। समझ लो कि ये कॉस्ट मॉडल ही है, लेकिन कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, हम इसको अमोर्टाइज करेंगे। दूसरा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। ऐसे केस में हम एसेट और लायबिलिटी को रखेंगे किस पे, एंड विद द चेंजेस टेकन टू प्रॉफिट लॉस। तीसरा, रखा जाता है FVTOCI या FVOCI। इसमें भी हम एसेट को किस पे रखेंगे, लेकिन जो चेंजेस होंगे वो कहां जाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कुछ आइटम रिसाइकलेबल होते हैं और कुछ नॉन रिसाइकल्ड होते हैं। रिसाइकल्ड का मकसद कि कोई इनकम पहले अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाए और वक्त आने पर वो वापस प्रॉफिट लॉस में दे दी जाए। और बाज आइटम्स ऐसे होते हैं जो रिसाइकलेबल नहीं होते, मसलन रिवैल्यूएशन सरप्लस। जब IAS 16 में हम एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करते हैं तो उसका गेन हम जमा करते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में। कल को जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाता है, तो उसका जितना भी गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जमा होता है, क्या वो हम उठा के प्रॉफिट लॉस में भेजते हैं? प्रॉफिट लॉस में नहीं भेजते, उसको हम कहते हैं नॉन रिसाइकल, राइट। अच्छा, अब हम पहले बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स की। इसमें समझाऊंगा, वैसे ज्यादा है लेकिन F7 लेवल में एक है, FVTOCI में, ठीक है, एक जगह पे जितना भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन जाएगा जब वो एसेट डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तो वो OCI में पड़ा हुआ गेन प्रॉफिट लॉस में फेंक दिया जाएगा, रिसाइकल होगा जी। फाइनेंशियल एसेट की हम बात पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल एसेट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट दैट गिव्स राइट टू कैश रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट या एक्सचेंज्ड अंडर द टर्म्स विच आर पोटेंशियली फेवरेबल। फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, नाउ दिस इज डिफरेंट। IAS 16 पढ़ा, 38 पढ़ा, 40 पढ़ा, ठीक है, अब तक जितने भी एसेट्स हमने पढ़े थे वो कहते कि एसेट शुड इनिशियली बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्लस ऑल कॉस्ट्स नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। यहां कहानी मुख्तलिफ है। IAS 41 में भी यही कहानी थी कि बायोलॉजिकल एसेट्स को इनिशियली और सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल एसेट जब खरीदा जाएगा या जब पहली बार जिंदगी में बैलेंस शीट में आएगा तो किस वैल्यू पे आएगा, फेयर वैल्यू। चांसेस ये होते हैं कि एसेट की परचेज कॉस्ट अलग होती है और डिस्पोजल वैल्यू अलग होती है। फेयर वैल्यू किसको कहते हैं, एग्जिट प्राइस को,
एग्जिट प्राइस को, यानी जितने में आप खरीद के लाए हो वो उसकी फेयर वैल्यू तो नहीं है, वो उसकी कॉस्ट है, और जितने में आज बेच सकते हो वो उसकी फेयर वैल्यू है। रिकॉर्ड किस पे करना है? मुमकिन है कि एसेट जिंदगी का पहला कदम बैलेंस शीट में रखे और नुकसान करें, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एसेट, मैं किसी कंपनी के शेयर्स 5 लाख रुपए में लेके आ गया और आज के आज अगर बेचूं तो 4.95 के जाएंगे, मैं रिकॉर्ड किस पे करूंगा? 4.95 पे। डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट 495 पे, क्रेडिट करेंगे कैश $500,000 पे और डेबिट करेंगे 5,000 से प्रॉफिट लॉस को। ऐसा हो सकता है, F7 में देता नहीं है, ऐसा नहीं कि हर बार ढूंढते रहो कि नुकसान कितना हुआ, हो सकता है। अगर उसने कोई बात नहीं बताई तो आप उसकी कॉस्ट को ही फेयर वैल्यू मान लोगे। मुनासिब? अगर उसने कोई बात नहीं बताई तो आप उसकी कॉस्ट को ही फेयर वैल्यू मान लोगे। अक्सर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसी हाउस के थ्रू खरीदे जाते हैं, ब्रोकरेज हाउस कहा जाता है उनको या इन्वेस्टमेंट हाउस कहा जाता है, हम उनके थ्रू ये एसेट्स खरीदते हैं। वो हाउस हमसे ब्रोकरेज चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है। उस शेयर्स को या उन बॉन्ड्स को खरीदने के पीछे आपका जो खर्चा आया है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो हम क्या करेंगे? उसमें प्लस कर देंगे। ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट का सर बुलंद हो। अगर मैंने इसको प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दिया तो पहला साल बोलेगा यार ये क्या है, तो हम एसेट की कॉस्ट में प्लस कर देते हैं। इशू कॉस्ट नहीं हो सकती, इशू तब होगी जब मैं इशू करूं। अभी मेरा कैलिबर थोड़ा इन्वेस्टर वाला है, अभी मैं मांग रहा नहीं हूं, ठीक है। इशू कॉस्ट तब होगी जब मैं मांगूंगा, जब मैं पैसे लूंगा तो इशू कॉस्ट आएगी। हाँ, वो लायबिलिटी में आएगा, लेकिन फेयर वैल्यू भाई, ये बात क्लियर कर लेते हैं। एसेट किस किस पे रह सकता है? नंबर 1 अमोर्टाइज कॉस्ट पे, नंबर 2 FVTPL पे, नंबर 3 FVTOCI पे। तीनों सूरतों में एसेट की इनिशियल मेजरमेंट तो फेयर वैल्यू पे होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस की जाएगी सिर्फ दो सूरतों में। कौन सी? अमोर्टाइज कॉस्ट एंड FVTOCI। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को FVTPL पे रखते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा बल्कि एक्सपेंस आउट किया जाएगा। सो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के सूरत में और FVTOCI की सूरत में ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस होगी एसेट की फेयर वैल्यू में। और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट करते हैं तो भी एसेट में ऐड करेंगे, लेकिन अगर FVTPL रखते हैं तो एसेट में ऐड नहीं करेंगे, इसको सीधा प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर देंगे। यहां तक ठीक है? अब फाइनेंशियल एसेट में एक आते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स। हम इन्वेस्टर हैं, मांगते नहीं बन जाना, मैं कोई बॉन्ड वॉन्ड इश्यू नहीं कर रहा भाई, अपन खरीद रहे हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है दोनों सूरतों में अपन इन्वेस्टर्स। तो अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदूं, कन्वर्टेबल्स खरीदूं, लोन नोट्स खरीदूं, किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाऊं, किसी रिसीवेबल को उधार दूं, मेरे लिए एसेट है, किसी और के लिए लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदूं जो मेरे लिए तो एसेट होंगे लेकिन सामने वाले के लिए इक्विटी होंगे, दो बातें करेंगे। पहले हम बात करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कोई बॉन्ड्स है,
जो आज मैंने खरीदे हैं और डेफिनेटली रिडीम तो होंगे ना, अगर रिडीम ना हुए तो डेट का कहां से हो गया फिर ये? और कोई लेन देन का हिसाब तो करोगे, कूपन कितना होगा, हर साल मुझे कितना दोगे, प्रीमियम दोगे, डिस्काउंट पे दोगे, बात तो क्लियर करो। तो सबसे पहला सवाल IFRS 9 ने मुझसे पूछा कि क्या आप ये बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल्स, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, ये शेयर ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए लेते हो? ट्रेडिंग मतलब स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब मुनाफाखोरी। सारी दुनिया क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट कर रही है? क्या कोई वाकई में ऐसी दुनिया बनने वाली है जहां पे क्रिप्टो चलेगा? क्या फ्यूचर ऐसा है सारी दुनिया में सिर्फ बिटकॉइन चलेगा और इथेरियम चलेगा, हमारी करेंसी बंद हो जाएगी? वो तो खुदा जाने, लेकिन बिटकॉइन बढ़ रहा बहुत था। तो हम इन्वेस्ट किस इंटेंशन से कर रहे थे? प्रॉफिट कमाएंगे, यूज में नहीं आना। जिस तरह गोल्ड है भाई, गोल्ड अगर पहन लो तो बात समझ में आए, लॉकर में रखा हुआ है लेकिन क्यों वैल्यू बढ़ रही है? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बंदा अल्टीमेटली कुछ यूटिलिटी तो ले सकता है ना, कंज्यूम कर सकता है, बैठ सकता है। कुछ चीजें होती है जिनकी यूटिलिटी होती है। इकोनॉमिक्स यही कहती है कि डिमांड एंड सप्लाई में यूटिलिटी, कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, आपकी वो नीड कैसे सेटिस्फाई करेगा, आपकी वॉन्ट्स कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना, जिस चीज की सेटिस्फेक्शन होगी उस चीज की डिमांड बढ़ेगी। भाई अगर गर्मियां बढ़ जाएंगी तो एसी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि लोग को एसी तो कंज्यूम करने के लिए चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो कंज्यूम ही नहीं होती फिर भी वैल्यू बढ़ती है। भाई गंदम महंगा हो जाता है, आटा महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, समझ में आती है कंजम्पशन है। या तो कंजम्पशन बंद कर दो, निकालो सब साइकिलें चाइना की तरह, पेट्रोल की कंजम्पशन बंद कर दो, नहीं करेंगे कंज्यूम। शुगर महंगी हो जाए बायकॉट करो, चिकन महंगी हो जाए बायकॉट करो, नहीं खाओ। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती है, हमारे यहां कभी भी कामयाब नहीं होती। लेकिन अगर कामयाब हो जाए तो खुद ही रेट, भाई डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे मजबूरन। जिस तरह कोविड पीरियड्स में क्या हुआ था, डेयरी वालों ने क्या किया था, पूरे प्रोडक्शन तो नहीं रोक सकते थे ना, मिल्क प्रोडक्शन तो हो रही थी, उनको क्या करना था, सारे के सारे बाहर रहे थे पानी में, कोड़ी के दाम बेच रहे थे, जिसको चाहिए लेके जाओ भाई, कि दुकानें बंद है, कंजम्पशन ही नहीं है, डेयरी नहीं खुली हुई, तो पूरा दूध फेंक रहे थे। यूटिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, कंजम्पशन नहीं होगी तो क्या होगा? लेकिन अगर कंजम्पशन हमारी और बढ़ती जाएगी महंगाई के साथ साथ, प्राइसेस तो बढ़ेंगे। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदा है, यानी जैसे ही 2 रुपए कमाओगे बेच दोगे, शेयर 2 रुपए महंगा होगा बेच देंगे, फिर सस्ता होगा फिर खरीद लेंगे, तो डिप में खरीदेंगे, कहते ना बाय द डिप, जैसे ही डिप मारे खरीद लो, महंगा हो जाए फिर बेच दो। इसका मकसद क्या है कि अगर इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो आपके सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि मैंने खरीदा ही ट्रेडिंग के लिए है। क्योंकि आपके स्टेटमेंट्स पे फर्क पड़ेगा, आपने मुझे बोला जी तो हम इसको रिकॉर्ड किस पे करेंगे? मिसाल के तौर पे इस्लामिक बॉन्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं सुकूक। अब इस्लाम के अंदर शरिया कंप्लायंट रिबा देना, सूद देना तो हराम है। अगर मैं ये कहूं कि आप मुझे इतने पैसे दो और मैं आपको हर साल एक फिक्स अमाउंट देता रहूंगा तो ये तो हराम है। हम उसमें एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मनी बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सुकूक का क्या रूल होता है कि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड जनरेट करेंगे बाय इशूइंग सुकूक, और उससे कोई एक एसेट खरीदेंगे मुश्तरका, उस एसेट में से आने वाला प्रॉफिट हम सब में बांटेंगे। तो अगर रिबा को आपने मुनाफे का नाम दे दिया तो जायज है, लेकिन अगर आपने उसको इंटरेस्ट बोला, सूद बोला, हराम है। अगर मैं आपको यह कहता हूं कि मैं आपको प्रॉफिट का शेयर देता रहूंगा तो वो कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। दैट इज नॉट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। अगर फॉरेन करेंसी है, मिसाल मैं आपको कहता हूं कि जो डॉलर रेट होगा
डॉलर के रेट के हिसाब से मैं आपको रिडीम करके दूंगा। तो आज अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब डॉलर का रेट मिसाल 180 है, जब आप रिडीम करवाते हैं तब डॉलर का रेट 250-300 हो जाता है खुदा न खास्ता, तो मैं आपको उस हिसाब से पैसे दूंगा। यानी यू आर नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट पेमेंट्स बट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस एज वेल। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा कोई तीसरा है? बोला हाँ है, तो उसको एफईडी पे मिलेगी। खतरनाक है फिर हमारे लिए। अच्छा, ये जो सवाल मैं आपसे करूंगा ना, ये जितने भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उस पे हाथ रख के पूछूंगा। मिसाल भाई, ये जो आपके पास 9% बॉन्ड्स पड़े हैं, ये क्या है? और ये जो आपके पास 6% बॉन्ड्स पड़े हैं, इनका क्या सीन है? आप मुझे अलग अलग करके बताओगे। अगर यू हैव गॉट मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स, तो ये जो सवाल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे, ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट बेसिस होंगे। इनमें से कोई कैश फ्लो टेस्ट पास करेगा तो आगे जाएगा, जो फेल करेगा वो एफईटीपीएल पे चला जाएगा। जो पास कर गया उसके लिए एक और सवाल है, बिजनेस मॉडल टेस्ट। अब दिस बिजनेस मॉडल टेस्ट इज नॉट एन स्पेसिफिक क्वेश्चन, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन। अब मैं इंस्ट्रूमेंट पे हाथ रख के नहीं पूछूंगा, अब मैं क्या पूछूंगा? जनरली, हाउ इज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव्ड? हाउ इज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव्ड? दो सवाल, इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं। पहला हो सकता है हेल्ड टिल मैच्योरिटी, ठीक है? HTM का मकसद क्या है? हेल्ड टिल मैच्योरिटी या होल्ड टिल मैच्योरिटी? इसमें आपने मुझे यह कह दिया कि हम जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला करके नाम पूछ रहा हूं ना, मुझे बताओ, सही है? तो मिसाल अगर कह रहे हैं लेट क्यों हो जाते हो, तो हमने सर आज ये मसला हो गया, तो मैं आज का नहीं बोल रहा हूं सर, कल ही हो गया था, भाई कल का भी नहीं बोल रहा हूं, हमेशा क्यों? सो माय क्वेश्चन इज नॉट ऑन अ स्पेसिफिक डे कि इस दिन लेट क्यों हुए या इस दिन ये क्यों किया, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? मैं जनरल सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये कंपनी के बॉन्ड्स का क्या है, एक्स कंपनी के बॉन्ड्स का क्या है, जी कंपनी के बॉन्ड्स का क्या। मैं जनरली पूछ रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होता है। अगर आपने कह दिया कि हम कभी भी मार्केट वैल्यू चेंजेस को रियलाइज नहीं करते, क्या कहा? कभी भी मार्केट वैल्यू चेंजेस को रियलाइज नहीं करते, हम सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज खाते हैं। आप खुद देखो, अगर मैं एक बॉन्ड खरीदूं, मिसाल के तौर पे मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूं 45 लाख रुपए, उसमें से मुझे 4.5 लाख हो गए मिलते हैं, हालांकि दूसरे साल के आखिर में वो 45 लाख वाला बॉन्ड 52 लाख रुपए का हो गया है, चाहूं तो बेच सकता हूं, हालांकि वो 45 वाला बॉन्ड 40 लाख पे आ गया है, हालांकि चाहूं तो बेच सकता हूं, लेकिन अपना उसूल नहीं है। हमारी बिजनेस ऑब्जेक्टिव, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव हासिल कैसे होता है? बाय होल्डिंग The instruments until their maturity, right? By holding the instruments until their maturity, by bill आखिर तो bond जाके 45 पे ही रुकेगा ना वापस। ये जो temporary changes हैं, लेकिन मेरा contractual क्या है? आखिर में issuer ने मुझे 45 देने ना, मैं बैठा हूं भाई 52 का हो गया, बेच दे। मैंने नहीं भाई, मुझे investor खुद ही 45 देगा issuer। So how is your business objective achieved? By होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट अंटिल मेच्योरिटी। तो इससे आपको मार्केट वैल्यू चेंजेस नहीं मिलेंगे, जितने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं, इंटरेस्ट प्रिंसिपल सिर्फ वही मिलेगा। तो क्या अगर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाती है, इससे आपके सेहत पे कोई असर? हम तो देखते भी नहीं है भाई। ऐसा हो कि आपका आबाई घर हो जिसमें सारे चाचू चाचे कजिन सब मिलके रहते हो, वो कोई 1000 गज का बंगलो बना हुआ है आपका, पता चलता है कि भाई सोसाइटी की कीमतें डबल हो गई ट्रिपल हो गई,
12 करोड़ रुपए का हो गया अपना घर, तो मिठाई बांटने की क्या जरूरत है, बेचोगी तो वैसे भी नहीं ना, हमें क्या, अगर बेचना चाहेंगे भी तो बड़े नहीं मानेंगे, आ जाएगा कोई फटा करने चाचू, तो बेहतर है कि खुशी ना मनाई जाए फिर। अगर आपने बेचना ही नहीं है तो आपकी सेहत पे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको हम शो करेंगे एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। क्यों इसको एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशंस से मुझे कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, आप मुझे जवाब देते हैं कि यार यूजुअली हम होल्ड करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती है या अच्छा बेनिफिट मिलता है तो निकाल भी देते हैं। यानी अब आपका जवाब मिक्स है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम होल्ड करते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम सेल करते हैं। अब नाम लेके तो मैं पूछ रहा नहीं हूं कि मैं बोला अच्छा इन दो को एसटीएम पे दिखा दो अमोर्टाइज पे और इन तीन को कहीं और दिखा दो, मैंने नाम लेके तो पूछा ही नहीं, मैं तो जनरली पूछ रहा हूं। तो आपने कहा कि भाई कभी रखते हैं कभी बेचते हैं, यानी अब आपका जवाब है कि कुछ को हम मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और कुछ को हम सेल कर देते हैं, यानी इसकी फेयर वैल्यू चेंजेस का आपकी सेहत पे असर पड़ता है या पड़ सकता है, व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट, पड़ सकता है, पड़ता है नहीं कह सकता बिकॉज आई एम नॉट एब्सोल्यूट। अगर मैं कहता कि सारे के सारे बेचता हूं, मिसाल मैं ये कहता हूं मैं सिर्फ बेचता हूं, मैं कभी भी मेच्योरिटी तक बैठता ही नहीं हूं, हम हमेशा मेच्योरिटी से पहले बेच देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू चेंजेस का असर मेरे सेहत पे पड़ता है। और यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू चेंजेस का असर मेरी सेहत पे पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता, लिहाजा इसको हम तीसरी साइड पे भेज देंगे जिसका नाम है एफटी ओसीआई। आप इसको फेयर वैल्यू पे दिखाओ लेकिन इसके चेंजेस प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। हाँ नहीं, बेचने पे इनके गेन्स कहां जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में, ये रिसाइकल होगा। समझ में आई बात, मैं कहता हूं अभी नहीं बेचो क्योंकि आपने कहा कि सेहत पे असर पड़ सकता है, तो फिलहाल आप उसको रखो तो फेयर वैल्यू पे, लेकिन चेंजेस कहां भेजो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अगर बेच दो तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो गेन या लॉस जमा किया हुआ है उसको क्या करो, उठा के प्रॉफिट लॉस में, रिटर्निंग्स में नहीं, प्रॉफिट लॉस में भेज दो, जब फर्क पड़े तो दिखाना प्रॉफिट लॉस में। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अमोर्टाइज करने का मकसद है मैचिंग कॉन्सेप्ट, बीडी बैलेंस को सीडी बैलेंस तक पहुंचाना है। अगर मैं कूपन प्लस कंपाउंड करता हूं, मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी कि प्रीमियम बॉन्ड्स हैं, आज मैंने कर्जा लिया है 25 लाख का, चार साल के बाद वापस करूंगा 28 लाख रुपए करके, जो 3 लाख रुपए है प्रीमियम, वो भी तो इंटरेस्ट है ना, अगर मैं इसको अमोर्टाइज ना करूं, यानी 25 से उसको आहिस्ता आहिस्ता 28 पे ना लेके आऊं, तो 3 लाख रुपए का खर्चा किसके गले में जाएगा, तीसरे साल के गले में, चौथे साल के गले में। अमोर्टाइज क्या करता है, वो 3 लाख रुपए के खर्चे को भी चारों सालों तीनों सालों के ऊपर तकसीम कर देता है, जिसको नाम हम देते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मलबा किसी एक साल के गले में आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये रिसाइकल्ड है, रिडीम, हाँ उसको हम मेच्योरिटी कहते हैं, उसको हम रिडेम्पशन कहते हैं, जब उसका टाइम ओवर हो जाता है, और क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट है ना तो हमेशा इसकी लाइफ तो होगी। वापस सुन लेते हैं, अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स खरीदे हैं, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स खरीदे हैं, किसी बैंक में पैसे रखवाए हैं, किसी सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाए हैं, कोई सर्टिफिकेट्स बाय किए हैं किसी कंपनी के, कोई बॉन्ड्स बाय किए हैं,
प्राइस बॉन्ड्स बाय के शेयर्स नहीं आएंगे, ये डेट है, ठीक है। डेट का मकसद कोई कैश फ्लो लाजिम है। शेयर्स खरीदते वक्त सामने वाली कंपनी आपको एक रुपया भी गारंटी नहीं करती, ना डिविडेंड का ना रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन तो होती ही नहीं ऑर्डरी शेयर्स में। पूछा कि भाई क्या ट्रेडिंग के लिए खरीदते हो? अगर बोला हाँ अपना तो काम है, तो ठक करके प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। अगर आपने कहा नहीं, तो सवाल पूछा गया कि इस और इस पे हासिल होने वाले कैश फ्लोस सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही हैं, या कन्वर्जन है, या फॉरेन करेंसी चेंजेस हैं, या स्टॉक मार्केट चेंजेस हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक बॉन्ड को स्टॉक मार्केट इंडेक्स से कनेक्ट कर दूं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कनेक्ट कर दूं, कि जो भी इन्फ्लेशन होगी उस हिसाब से मैं आपको पैसे वापस करूंगा। इस दौर में तो मुनासिब यही रहेगा ना, कि अगर इन्वेस्टर को पैसे लेना चाहते हो इन्वेस्टर से, तो उसको कहो कि भाई महंगाई की कंपनसेशन अलग। तो आज का जो CPI है वो हम लॉक कर लेते हैं, जब 2025 में जितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा उससे मल्टीप्लाई करके मैं आपको पैसे रिडीम करूंगा। यानी मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं दे रहा, मैं आपको इन्फ्लेशन कंपनसेशन दे रहा हूं, स्टॉक मार्केट या करेंसी फ्लक्चुएशन दे रहा हूं। तो आज जो आप मुझे पैसे दे रहे हो, इसको मैं 250 पे रखता हूं, उस दिन हम इसको 250 से डिवाइड करके जो भी रेट होगा उसे मल्टीप्लाई करके मैं आपको पैसे वापस दूंगा। तो इन्वेस्टर बोलेगा ये सही है, क्योंकि अब के दौर में रुपीज में पैसे रखना तो सुटेबल नहीं हुआ ना, क्योंकि रुपी तो बुरे तरीके से जा रहा है नीचे। तो अगर आपने कोई बैंक में पैसे रखवाए या किसी सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाए, मिलेंगे तो बढ़ के। जिस तरह मैं एक इंश्योरेंस करवा रहा था जब छोटी पैदा हुई थी, तो उसने कहा कि आप लाख लाख रुपए हर साल दें, 20 साल तक दें, ठीक है। बोला 20 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए होके मिलेंगे हमारे यहां से। तो लगो 6 करोड़ रुपया सही है। तो मुझे पता चला कि 2 साल के बाद मेरे मामू की एक पॉलिसी मेच्योर हुई, तो उसको मैंने बोला मामू 20 साल तक दिए? बोला हाँ 20 साल तक दिए। बोला मेच्योर होगी? बोला मेच्योर होगी। कितने पैसे मिले? बोला 2.5 लाख। बोला क्यों? बोला मेरी थी 5,000 वाली। अब उस दौर में आज से 20 साल पहले जब उसने 5,000 रुपए सालाना किस्त पे पॉलिसी रखी थी, उसके लिए बड़ी बात थी, और वो वाकई में 5 टाइम्स ज्यादा पे मेच्योर हुई और 2.5 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं। लेकिन आज के दौर में 2.5 लाख को पूछ रहा कौन है? तो फिर मैंने सोचा यार हमें भी अगर 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो हमारे भांजे भी हमसे यही सवाल करेंगे कि मामू ये क्या है 1 करोड़ रुपए? लेकिन क्या है कि मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है ना, मिलेंगे तो आज के हिसाब से तो 1 करोड़ रुपए बड़ी बात थी, लेकिन थोड़ा वक्त जैसे बढ़ रहा है आगे तो बोलेंगे 1 करोड़ रुपए में तो गाड़ी भी नहीं मिलती। हाँ ग्रैंडी की कितने कर दिए? 60-61 लाख तो ग्रैंडी होगी, तो हम बोले कि 1 करोड़ रुपए में तो करोला भी नहीं मिलेगी। ओके, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास नहीं होता, यानी उसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है, तो किस पे जाएगा? FVDPL पे। अगर यही है तो फिर दूसरा सवाल किया गया बिजनेस मॉडल टेस्ट का, कि आप जनरली आपका ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल होता है। आपका जवाब आ सकता है या तो होल्ड करने तक, या तो कभी होल्ड करते हैं कुछ सेल करते हैं। अगर सिर्फ होल्ड ही करते हैं तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे तमाम को, अगर कभी होल्ड करते हैं कभी सेल करते हैं तो तमाम को किस पे रखेंगे? FVTOCI पे। ये सब मीट होने के बाद भी IFRS 9 एक ऑप्शन देता है जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑप्शन। ये सब मीट होने के बाद भी अगर आप फेयर वैल्यू ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो ये किस पे चला जाएगा? FVTPL पे। लेकिन ये फेयर वैल्यू ऑप्शन आप कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? इनिशियली, इनिशियल मेजरमेंट पे। अगर आपने उस वक्त ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो ये जहां जाना था वहीं जाएगा। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि सब्सिक्वेंटली कैसे होगा। ये तीनों सब्सिक्वेंट है, राइट? और ये इनिशियली हमें डिसाइड करना है कि ये सब्सिक्वेंटली मेजर कैसे किया जाएगा। इस साल के बाद नहीं पूछूंगा मैं आपसे पहले ही पूछूंगा कि इसको रखोगे किस पे। तो ये डायग्राम हम पहले दिन ही बना लेंगे। हाँ, इस पे वैसे तो खुद ही जा रहा है FVTPL पे। हाँ अच्छा,
इसके पीछे बड़ी लॉजिक्स हैं, लेकिन समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना वर्ड याद कर लो कि दिस वुड बी एन इररिवोकेबल इलेक्शन, दिस वुड बी एन इररिवोकेबल इलेक्शन। आप अगर इलेक्शन इलेक्ट करते हो कि मैं इसको FEDPL पे रखूंगा, यू कैन नॉट रिवोक द ऑप्शन, बाद में आप इस ऑप्शन को रिवोक नहीं कर सकते हैं। एक ही बात हो गई, अगर फेयर वैल्यू ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो वो किस पे चला जाएगा, FEDPL पे। वैसे तो ये FEDPL पे नहीं जा रहा ना, आप ट्रेडिंग भी नहीं करते, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही है और आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो, तो ये कहां जा रहा था, अमोर्टाइज कॉस्ट पे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं इसको फेयर वैल्यू पे रखना चाहती हूं, आप रख लो, भले ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो। हाँ देखो, अगर चेंज इन यूज है, अगर आपका मकसद घूम गया, बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बिला वजह चेंज नहीं कर सकते। अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो कोई चेंजेस आ नहीं सकते जब तक रीस्ट्रक्चरिंग ना हो, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये बहुत आसान सा, हाँ हाँ, या कभी कभी बेचते हैं कभी रखते हैं, मैं नाम लेके पूछ ही नहीं रहा। मैंने अगर नाम लेके पूछा हो कि भाई एक्स लिमिटेड के बॉन्ड्स का क्या करोगे, वाई लिमिटेड के बॉन्ड्स का क्या करोगे, मैंने तो पूछा ही नहीं कि आज क्यों देर से आए हो, मैंने तो वैसे ही पूछा कि हमेशा क्यों देर से आते हो, तो आप क्या जवाब दोगे मुझे हमेशा का, अब गिनवाओगे तो नहीं 365 दिन कि उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन बाइक पंक्चर हुई थी, उस दिन आग लग गई थी, उस दिन अलार्म नहीं बजा था, कितना बताओगे, आपकी तो फिर आदत में ही शामिल हो गया ना। ये क्या है कि जनरल सवाल है मेरा, मैंने तो दिन तो गिनवाए नहीं ना कि हफ्ते के दिन लेट क्यों आए थे, समझ रही है, इसी तरह इसीलिए इसकी तरफ नहीं देख रहा, गॉट दिस। तो मैंने आपसे क्योंकि नाम लेके नहीं पूछा, तो या तो सारे के सारे अमोर्टाइज कॉस्ट पे जाएंगे या सारे के सारे FEDO से पे जाएंगे। अब ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि कुछ बॉन्ड्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे हो, कुछ बॉन्ड्स FEDO से पे हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप तो एक ही तरफ गिराओगे ना सबको। अच्छा, अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ, ये बिल्कुल आसान सा है, इसमें कोई सवाल नहीं है। इसमें सिर्फ एक सवाल ये आ गया कि क्या आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, करते ना बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं फिर महंगे करके बेचते हैं एक दो दिन दो चार दिन में। मैंने कहा हाँ भाई हमारा शेयर्स का ऐसे रहते हैं, हाँ 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 हम एसेट वाले हैं भाई, ये देखो नहीं 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 वो इश्यूअर के लिए था, वहां हम इशू कर रहे थे, क्योंकि वहां देखो सवाल हमने क्या डील किया, इक्विटी और लायबिलिटी, इक्विटी और लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे तो वो दिखाएगा जो पैसे ले रहा है, जो मांगता है, यहां हम वी आर रिच पीपल, नहीं नहीं सारा नहीं सारा नहीं सारा नहीं, हाँ IFRS 9 में फाइनेंशियल लायबिलिटी भी डील होती है, मैं सिर्फ एसेट्स की बात कर रहा हूं अभी। लेकिन ये जो बातें मैं कर रहा हूं, डेट इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये पढ़ते वक्त हम ये अज्यूम करें कि मैंने किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स लोन नोट्स खरीदे हैं, मैं किसी दूसरी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद रहा हूं या खरीदे हैं, मैं इन्वेस्टर हूं इस केस में। अच्छा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, आपने किसी दूसरी कंपनी के XYZ लिमिटेड के शेयर्स खरीद दिया, मैंने पूछा भाई ट्रेडिंग, तो आपने भरम से बोला यस। क्या शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ने और गिरने से आपकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, ऑफकोर्स घर ही ट्रेडिंग रहे तो किस पे रखोगे। अगर आपने कहा नहीं हम शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते, तो क्या शेयर्स की वैल्यू बढ़ने और गिरने का आपके सेहत पे कोई असर पड़ेगा, सोचो। हाँ क्यों नहीं पड़ेगा भाई, बिलाकर क्या करूंगा, खाऊंगा क्या, हैं तो शेयर्स ना किसी कंपनी के, साल में ना सही, दो साल में ना सही, पांच साल में ना सही, बिलाकर तो बेचूंगा, मेच्योर तो होंगे नहीं है, तो भी ये किस पे जाएंगे, FEDPL में। तो सवाल मैंने पूछा कि भाई शेयर्स खरीदते हैं ट्रेडिंग करते हो, हाँ, जाओ FEDPL में,
बोला नहीं सॉरी सॉरी गलती से मैंने सुना नहीं। बोला अच्छा फिर भी जाओ FVTPL में। तो बोले सर फिर पूछा क्यों? एक वजह से, जिस तरह वहां पे फेयर वैल्यू ऑप्शन है, यहां पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन है। सही है? अगर आपने ये ऑप्शन नहीं लिया तो जाओ, मजाक कर रहा था, वही होगा जो होने वाला था। कहां जाएंगे? FVTPL पे। तो आपने रोका क्यों? मैं क्या पूछने के लिए, आपने कहा हां मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो ये किस पे जाएगा? नहीं हो सकता। पहली बात तो कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन लेगा क्यों? मिसाल के तौर पे एक स्टेबल कंपनी है, बहुत बेहतरीन बिजनेस चल रहा है, हर साल स्टेबल प्रॉफिट आ रहा है, शेयर होल्डर्स भी पहले से ही समझ के बैठ जाते कि भाई कंपनी इज गोइंग गुड। ऐसे में हमने खरीद दिए शेयर्स, शेयर्स के भी बढ़ गए, स्टॉक मार्केट का भी बढ़ गई, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। इन्वेस्टर से कहा क्या हो गया अचानक से, कभी स्टॉक मार्केट बैठ गई मेरा प्रॉफिट बैठ गया, तो इन्वेस्टर बोल रहे भागो यार यहां से, ये स्टेबल नहीं है कंपनी, हम चाह रहे किसी ऐसी कंपनी में पैसे लगा दें जहां से डिविडेंड आता रहे या जहां सुकून से प्रॉफिट आता रहे। ऐसे पंगा नहीं लेना कि कभी बढ़ रहा है कभी गिर रहा है, ये नहीं चाहिए। हम उनको बोलेंगे सर बात सुने, वैसे है नहीं, ये बीच में इनमें शेयर्स खरीदे वही गंद कर रहे हैं। अब शेयर्स खरीदना तो गलत बात नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता हूं अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से ये गंद को साइड कर देता हूं। ये जो गेन या लॉस होगा ना उसका इंपैक्ट मैं प्रॉफिट लॉस में दिखाऊंगा ही नहीं, कहां दिखाऊंगा? अब ये बात तो तय है, क्या शेयर्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखे जा सकते हैं? नहीं, इधर तो जा ही नहीं सकते शेयर्स। शेयर्स या तो FVTPL पे रहेंगे या, यानी शेयर्स रहेंगे तो फेयर वैल्यू पे, भले प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हो, याद रखिएगा, भले अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हो, नो कॉस्ट एक्सेप्शन। शेयर्स अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के खरीदे हैं रखे तो वो प्रॉफिट फेयर वैल्यू पे ही जाएंगे, रखे तो वो फेयर वैल्यू पे ही जाएंगे, चेंजेस या प्रॉफिट लॉस में जाएंगे या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे। क्लियर? और ये नॉन रिसाइकलेबल है। आपने चार पांच साल, ढाई साढ़े तीन साल, जितने भी टाइम शेयर्स रखे उसमें वैल्यू बड़ी 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 आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखा दी, अब के बार जब आप शेयर्स को बेच रहे हैं तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पड़ा हुआ गेन या लॉस प्रॉफिट लॉस में रिसाइकिल नहीं किया जाएगा। यहां तो अगर आपने होल्ड कर लिया ना तो चार साल में जो कमाया वो अगले साल में जीरो हो जाएगा, बिकॉज जो बॉन्ड रिडीम ही 45 लाख पे होना है वो 50, 52, 55 पे वक्ती तौर पे जा सकता है। भाई बिलाखिर तो कब्रिस्तान में ही आएगा ना, यही खड़ा हो जाता हूं, घूम फिर के जाएगा कहां, आएगा तो वापस 45 पे। फर्क सिर्फ क्या होता है कि मेरा बॉन्ड अगर दे रहा है 10% और मार्केट में चल रहा है 6%, तो मैं बोलूंगा हाँ मेरा बॉन्ड 10 वाला, लेकिन कितना टाइम खाओगे? 5 साल ना। पहला साल खा गया 10%, मार्केट वालों ने 6% खाया, आपने 10% खाया, अगला साल फिर आपने 10% खाया, तीसरा साल फिर आपने 10% खाया, लेकिन जब खा के खत्म करोगे तो बिलाखिर तो 45 पे ही रुकोगे ना। तो बॉन्ड्स की जो फेयर वैल्यू होती है वो वक्ती तौर पे ऊपर नीचे होती है, लेकिन आखिरी दिन पे वो अपनी रिडेम्पशन वैल्यू पे ही आके बैठ जाती है। तो ये जो इसमें चेंजेस आएंगे ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, पहले सालों में जो लॉस दिखाओगे वो बाद में गेन हो जाएगा, पहले सालों में जो गेन दिखाओगे वो बाद में लॉस हो जाएगा। जब तक मेच्योरिटी से पहले बेचते नहीं हो फेयर वैल्यू चेंजेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझ रहे बात? हाँ, अगर बेच दिया तो 2 सालों का 3 सालों का जो गेन था वो हो गया गेन, नहीं तो अगले 2 सालों में लॉस होने वाला था कि ये फ्लैट मारेगा। 45 लाख वाली चीज कोई 50 में तभी खरीदेगा जब आईना आने वाले 5 साल तक वो 4-4% ज्यादा कमाएगा।
एक साल आप खा के दे दिया तो बोलेंगे बस बाकी 4 साल तक 4% मिलेगा तो थोड़ा कम देगा, एक साल और खा के दे दिया बाकी 3 साल तक 4% ज्यादा मिलेगा, बाकी 2 साल तक 4% ज्यादा मिलेगा, बाकी 1 साल 4% ज्यादा मिलेगा, आखिरी साल का भी इंटरेस्ट लेके बैठ गए आप। बोलेंगे हाँ भाई किसी को बॉन्ड चाहिए, बोलो बॉन्ड क्या चाहिए, आपसे लूंगा कंपनी में जाऊंगा 45 लाख रुपए लेके आऊंगा और क्या, यही होगा ना, तो 45 वाली चीज बिकेगी भी कितने की, 45 की और क्या, बॉन्ड घुमा फिरा के अपनी मेच्योरिटी पे आएगा। लेकिन शेयर्स मेच्योर क्योंकि होते ही नहीं है तो ये 10 रुपए वाली चीज 10,000 रुपए की हो जाए, हो सकती है, देयर इज नो लिमिट, राइट। एक बात लास्ट इसमें बता दूं, इसमें से जो आपको डिविडेंड्स मिलेंगे वो हमेशा कहां जाएंगे, चाहे शेयर्स बजाते खुद FVTPL पे रखे जाएं या FVTOCI पे रखे जाएं, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कौन सी इनकम और लॉस जाएगा, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ने और गिरने का, लेकिन जो डिविडेंड मिलेगा वो हमेशा प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा, चाहे शेयर्स बजाते खुद FVTPL पे रखे जाएं या FVTOCI पे रखे जाएं, डिविडेंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, रिसाइकिल नहीं कर सकते, हाँ जिस तरह रेगुलेशन सरप्लस को, हाँ ट्रांसफर, लेकिन इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर मार सकते हो, नहीं तो किसी साल में एक झटका नहीं मार सकते कि अचानक से इतना प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉफिट लॉस में नहीं डाल सकते। क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास।